अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखिए चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। किलो चिकन है, बोनलेस ली हूँ मैं, एक अंडा है, एक नींबू है, कॉर्न फ्लावर है एक चम्मच, आधा चम्मच मैदा ली हूँ, मैदा ज़्यादा नहीं लेना है, ये फूड कलर है। देखिए इसको मिक्स करना है, अभी यह डालना है। फर्स्ट अदरक लहसुन एक चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, कराची मिर्ची एक चम्मच डाली हूँ। देखिए ये कश्मीरी एक चम्मच डालना है, मिर्ची रेड कलर मिर्ची है वो। ये हल्दी है आधा चम्मच, धनिया पाउडर है एक चम्मच। ये मैं घर में बनाती हूँ, गरम मसाला पूरे मिक्सिंग है इसमें। एक अंडा डालना है, एक नींबू हाथ के जरिए से भी निकाल सकते हैं, कॉर्न फ्लावर डाल देना है, मैदा डाल देना है, फूड कलर भी डाल देना है। अब अच्छी तरह हाथ के जरिए से मिक्स करना है। देखिए एक घंटे के लिए रख देना है इसको। देखिए आधा घंटा हो रहा है, मैं प्याज कटिंग करके न्यूज़पेपर पे रख देना है। इसका पानी, प्याज का पानी पूरा सूख जाता और फ्राई जल्दी हो जाती। देखिए तेल रख दी हूँ, गर्म हो गया है। प्याज मैंने ली हूँ आधा किलो। देखिए अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लेना है। प्याज हो गई है, इसको निकाल देना है, खुली करके इसी तरह रखना है। देखिए आधा किलो बासमती राइस है, इसको तीन पानी से धोकर साफ पानी डाल दी हूँ मैं। ये सब, ये नींबू है दो, इसका रस निकाल दी मैं। 100 ग्राम दही है, हरी मिर्ची है 10-12, एक नींबू है, 5-6 टमाटर है धोकर काट ली हूँ, कोथमीर पुदीना है, ये हरी मिर्ची डालना है, इसमें थोड़ा सा तेल भी डालना है, इससे क्या है खाना अच्छा खुला खुला होता है। एक चम्मच नमक भी डालना है, एक दो तीन चम्मच डालना है क्योंकि अदहन है, ये पानी निकालना है इसका। देखिए वो प्याज तला हुआ तेल है, उसमें ही इसको फ्राई कर देना है चिकन को। बिस्मिल्लाह, देखिए थोड़ा लाल होना है, अभी हुआ नहीं है। देखिए चावल का पानी हो गया है, इसमें नींबू के भी छिलके डाल दी थी मैं, इसको इस तरह सब निकाल देना है। देखिए चावल डाल देना है, देखिए चिकन हो गया है, इसको निकाल देना है। देखिए वापस इसको भी तल देना है। देखिए तेल कम कर देना है, लहसुन डालना है, लहसुन हो गया, इसमें डालना है थोड़ा सा, थोड़ी से डालना है, हल्दी ज़्यादा नहीं, हरी मिर्ची 4-5 डाल दी हूँ, एक चम्मच थोड़ा सा कोथमीर पुदीना डालना है, ये टमाटर काटी थी मैं 4-5 डाल देना है, थोड़े से दही की चटनी के लिए रख देना है इसमें। प्याज तली भी डाल देना है आधी, मिक्स कर लेना है इसको। नींबू भी डाल देना है,
दही भी डाल देना इसमें। एक चम्मच नमक डाल दी हूँ मैं, एक चम्मच गरम मसाला, पूरा मिक्सिंग है इसमें। देखिए हमारा हो गया है ये चिकन पूरा मसाला सब। देखिए खाना हो गया है चावल, ये पानी निकाल दिए मैं इसमें से, थोड़े से चावल निकाल देना है इसमें से। देखिए इसमें चावल में से पानी निकाल दी थी मैं, अभी डाल देना है ये चिकन सब इसमें का। देखिए और थोड़े चावल निकाल के इसके ऊपर डाल देना है। देखिए कोथ में पुदीना डाल देना है। देखिए घी डालना है एक स्पून। देखिए माशाल्लाह टिक्का बिरयानी रेडी हो गई है। देखिए अच्छी खुली खुली बनी हुई है। देखिए हमारा चिकन टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बनी है। ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।